लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। एक और भी ज्यादा उल्टी वाली चीज है जब आप पहनते हो, जो केपरीज होती है ना 3/4 जो नी के नीचे तक आती है कॉटन वाली, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। यार ये सब ना बिल्कुल घटिया दिखने की निशानी है और इतने पुराने स्टाइल्स हैं कि हमारे शायद बाप दादा भी ना पहने। यार अब जमाना है नीज तक की शॉर्ट्स पहनने का और उसके लिए दो बेस्ट शॉर्ट्स स्टार्ट करने के लिए है, एक तो चीनो शॉर्ट्स और एक बास्केटबॉल शॉर्ट्स। चीनो शॉर्ट्स जनरली हर जगह ही अच्छी लगती है, बास्केटबॉल शॉर्ट्स तब अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल पसंद है। अगर आपने मस्ट बॉडी बनाई हुई है तो आपकी शॉर्ट्स नी से 2-3 इंच ऊपर खत्म होनी चाहिए और अगर आप स्किनी हो या फिर थोड़े से चबी हो तो आपकी शॉर्ट्स एकदम नी की स्टार्टिंग पर खत्म होनी चाहिए। शॉर्ट्स पे भी वैसे एक अलग वीडियो आएगा। यार नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि या तो आप बहुत ही सारी गंदी छपरी एक्सेसरीज पहन लेते हो या फिर आप कुछ भी नहीं पहनते। कुछ भी नहीं पहनते मतलब एक्सेसरीज में कुछ भी नहीं पहनते, कपड़े तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप पहनते होगे। यार एक्सेसरीज आपके आउटफिट में जान डाल देती है, लेकिन अगर आप ज्यादा पहन लोगे ना एक्सेसरीज तो गर्मियों में आपको बहुत पसीने भी आएंगे एक्सेसरीज के अंदर और आप उतना कूल फील भी नहीं करोगे। अब क्योंकि आपको लाइट और कूल दिखना है तो आप मेरे हिसाब से एक्सेसरी हर टाइप की एक पहनो, तो एक स्लिम वॉच, एक रिंग मैक्स, एक ब्रेसलेट और एक नेक चेन बस। अभी कौन से स्टाइल, कौन से कलर की होनी चाहिए, किस आउटफिट के साथ कौन सी पहननी है, वो एक्सेसरीज वाले वीडियो में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।